तो अगर से कोरियन मूवी हिंदी डब में आई है जिसका नाम है द किलर, इसकी लेंथ 1 घंटा 35 मिनट की है, तो चलिए जानते हैं कि फिल्म कैसी है, आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, तो वीडियो को एंड तक देखिए। कहानी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं कि आखिरकार कहानी कहना क्या चाहती है। तो गाइस इसमें एक खतरनाक आदमी को दिखाया गया है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पीछे पड़ जाता है, उस वह ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, मतलब लड़कियों को उठाता है, मतलब किडनैप करता है और उसे बेचने का काम करता है, मतलब वुमेन ट्रैफिकिंग का काम करता है। तो वह आदमी उसके पीछे पड़ जाता है क्योंकि उस आदमी की एक करीबी लड़की को किडनैप कर लिया जाता है, तो इसी कारण वह उसके पीछे पड़ जाता है। तो आखिरकार क्या वह अपने उस करीबी लड़की को ढूंढ पाता है या नहीं ढूंढ पाता है, और उस ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर पाता है या नहीं खत्म कर पाता है, ये सब जानने के लिए तो आपको इस फिल्म को देखना पड़ता है। तो गाइस फिल्म एक नंबर है, जी हाँ फिल्म एक नंबर है, देखकर मजा आ गया। आप जब फिल्म को देखेंगे तो आपको शुरू से लेकर अंत तक आप जरा से भी बोर नहीं होंगे, आप शुरू से लेकर अंत तक फिल्म कब खत्म हो जाएगा आपको पता तक नहीं चलेगा। और फिल्म में इतना एक्शन दिखाया गया है, मतलब बहुत ज्यादा एक्शन इसमें दिखाया गया है, गन फाइट सबसे ज्यादा गन फाइट दिखाया गया है, हैंड टू हैंड एक्शन भी दिखाया गया है पर सबसे ज्यादा गन फाइट दिखाया गया है, जिसको बहुत ही मस्त ऐसे कोरियोग्राफ किया गया है, देखकर मजा आता है। आप जब देखेंगे तो बोलेंगे वाह क्या एक्शन है। जिस तरह से इसमें कैमरा एंगल का यूज किया गया है, जिस तरह से इसका मुंह का एक्सप्रेशन है जब वह लोग गोली मारता है, वह देखने में बहुत ज्यादा यूनिक लगता है एंड आप उसे देखकर एंजॉय करते हैं। एक्टिंग की बात करें तो जी हाँ सभी ने अच्छी एक्टिंग की है, आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, तो जी हाँ सभी ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो जी हाँ प्रोडक्शन क्वालिटी आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलता है, कुछ भी कमी आपको प्रोडक्शन क्वालिटी में देखने को नहीं मिलेगी, तो प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत ही मस्त है। एंड जब आप फिल्म का जब एंडिंग होगा तब आप उसे देखकर चौंकने वाले हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जब आप इस फिल्म को देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। हिंदी डबिंग की बात को तो जी हाँ इसकी हिंदी डबिंग अच्छी की गई है। तो गाइस इस फिल्म को लेकर मैं फाइनल वर्डिक्ट है, जी हाँ आप एक एक्शन मूवी देखना चाहते हैं जो आपको मजा दे, शुरू से लेकर अंत तक आपको एंजॉय दे, तो जी हाँ इसे जाकर देखिए। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इसे देखिए, इसके एक्शन के लिए देखिए, आपको अच्छा खासा एंजॉयमेंट मिल जाती है और मजा देती है आपको फिल्म। और हाँ इसमें कुछ बोल्ड सीन है एंड बहुत ही ब्रूटल मतलब ना किलिंग सीन दिखाया गया है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फैमिली के साथ ना देखें तो ही बेहतर है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।